जबलपुर में ओबीसी बैंक के एटीएम को हैंग करने के आरोप में स्थानीय पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। एएसआई जीतराम ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ओबीसी के एटीएम से एक व्यक्ति पैसे निकलवाने आया। पैसे निकालने के लिए उसने अपना एटीएम कार्ड मशीन में डाला और अपना पिन नंबर ऐड किया, लेकिन एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकले। उसी समय एक लड़का बाहर से एटीएम कैबिन के अंदर आया और वो व्यक्ति खुद एटीएम से बाहर चला गया। तभी करीब 2 मिनट बाद उसके मोबाइल पर 10,000 रुपए निकलने का मैसेज आया। पैसे विड्रॉल का मैसेज आते ही वो तुरंत वापस एटीएम आया तो उसने उसी लड़के को एटीएम के पास दुकान के सामने खड़े देखा और उसे तुरंत पकड़ लिया। लड़के ने उसी समय 5,000 रुपए नगद उस व्यक्ति को दे दिए और बाकी पैसे घर से मंगवा कर देने को कहा। पीड़ित व्यक्ति ने तुरंत उस युवक को पुलिस के हवाले कर दिनांक 29/11/2018 को एक लड़का सोनलाल वर्ल्ड बैंक कॉमर्स से पैसे निकालने के लिए आया था, जो एक लड़के ने उसके एटीएम को हैंग कर दिया और उससे पैसे निकाल के ले गया। जो आज वही सोनलाल इसी की ताक में खड़ा था बैंक के सामने, ये लड़का दोबारा पैसे निकालने के लिए आया ऐसे, तो उसने जैसे पहचान लिया और उसको पकड़ लिया। इसकी जेब से इसने अपनी जेब से 5,000 रुपये उसको दे दिए और कहा कि 5,000 बाकी है दे दूंगा। जब उसकी तलाश ली तो 5,000 रुपये और निकले। पूछताछ की कही ये 10,000 वही है जो मैंने निकाले थे। कहाँ का रहने वाला है? ये सम्मा सरोफ सक्का है, गरीब इसका है, होटल का। तो अब अपने इसके खिलाफ क्या कार्रवाई दर्ज की है? इसके खिलाफ 420 380 खिलाफ कार्रवाई की।